जनाब, अगर स्वाद ना आ रहा हो तो डायरी को चाय में डुबा कर देख लीजिए। भाई वाह, जो बात लाहौर में है वो किसी हूर में नहीं है जी। भाई इन्ने वड्डे अखबार का एडिटर अपना घर अपनी गड्डी छड़ के एक मामूली से सराय में रह जाए, ये सिर्फ लाहौर में हो सकता है जनाब। एक हसीना अपने दिल के राज लिख कर एक डायरी में टांगे में छट जाए, ये सिर्फ लाहौर में हो सकता है। और मैं बस यहाँ कंट्रोल करें। इससे पहले कि आप शायर बन जाएं, हम आपकी गलतफहमी दूर कर देते हैं कि वो मोहतरमा ये डायरी छोड़ के नहीं, खुल के कहीं है। हाँ जी जी। वैसे इस डायरी के बारे में सोचे कितना परेशान हो रही होगी। स्कूल से जब मैं निकली हूँ और टांगे पर बैठी हूँ, मुझे लगता है वहीं कहीं गिर गई होगी मेरी डायरी। तब तो मेरे पास ही थी, तो फिर जब मैं टांगे से सराय में उतरी हूँ और उस बंदे की तरफ बढ़ी थी, शायद तब गिर गई। तब तो मेरी नजर सड़क पर पड़ी थी, वहां तो कोई डायरी थी ही नहीं। इसका मतलब या तो वो डायरी। अमरू जी, जी मम्मी जी, मम्मी जी देखिए ना, कितना सोना रंग चढ़ा है दुपट्टे पे। शाबाश पुत्र, दुपट्टा बेटियों की लाज होता है और पगड़ियां पीढ़ियों का ताज। ले अपने बाऊजी की पगड़ी पे भी रंग चढ़ा दे। जी मम्मी जी। पता है अमरो, मैं ये काम तैनू क्यों देता है? क्योंकि बाप की पगड़ी की इज्जत सबसे ज्यादा बेटियों के हाथ विच होती है। तेरे भाऊजी ना, वो रांझण वाली बात को लेके बहुत परेशान है। मुझसे पूछ रहे थे कि साड़ी अमरू मुनीम की कुड़ी की तरह बेशर्मियों वाली कहानी तो नहीं पढ़ती है। तो मैंने कह देता, ना जी ना, साड़ी अमरू ऐसी नहीं है। उस बेचारी ने तो सुना भी नहीं होना है रांझण का नाम। मैं इसे रंगने के बाद इस पर चरक भी चढ़ा दूं? जरूर, पर ध्यान नाल, दाग नहीं लगना चाहिए लाला जी की पगड़ी थे। शाबाश। पर जनाब, भाई ऐसी भी कौन सी दौलत का जिक्र है इस डायरी में जिसे पढ़ते के साथ ही आप उस मोहतरमा तक वापस पहुंचाना चाह रहे हैं, है जी? पहला पन्ना पढ़ते ही मानो सारे सवालों के जवाब मिल गए। काश इस डायरी को लौटाते वक्त उसके चेहरे का बदलता रंग देख सको। स्कूल के सामने सामने जहां से टांगा लिया था, कल वहीं जाके उस टांगे वाले को ढूंढूंगी। अगर स्कूल के पास मिल गई तो लौटा दूंगा उसकी अमानत उसे। जी, बाप की पगड़ी उछाल के जश्न मनाया जा रहा है। और लाना था ऐसी कामयाबी पे जो बाप की इज्जत पे इसके मिले। पर वीर उदय, तू फिकर ना ले, चाचा जी मान जाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि भाऊजी तेरे साथ है। ऊपर मैं खींचातानी नहीं करवानी ना दोनों प्राओ में मेरी वजह से। तू मेरी बात समझ। ओए होए 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 होए, गरमा गरम मटर वाले पुलाव, दालचीनी की महक, देसी घी का जीरे वाला तड़का और बगारी हुई गाजर गोभी का छिड़काव। भानुवीर जी, मैंने तो हाथ ही चूम लिया अम्मी जान के। खबरदार जोर से मेरे पास भी लाई तो मैंने नहीं खाना। मान ना मान, मैं तेरा मेहमान, इतनी शानदार दावत तुझे से सड़ील पे कौन लुटाएगा। मैं तो धनिया शनिया छिड़क के भानुवीर जी के लिए लाई हूँ ये मक्खी पुलाव। हाँ हाँ लिया, मैं तो वहाँ आराम से बैठ के खाऊंगा। बड़ा स्वादिष्ट है जी। जरा उस तरफ
करके खाना वीर जी, कहीं किसी भूखे की नजर ना लग जाए। ओए, तू ज्यादा फिक्र ना कर समझी, जब तक बाबूजी नहीं ना खाते मैंने देखना भी नहीं उसकी तरफ। तो देख क्यों रहा है? ओए, तू ना अपनी बाबूजी की फिक्र ना ही कर। भानु वीर जी, अमृत खुद थाली लेके गई है, पर अमृत के लाड के सामने तो रब मना नहीं कर सकते। तो तेरे बाबूजी तो फिर भी उसके चाचा जी, तो फिक्र ना कर, वो मान जाएंगे। सब्जी दाल पनीर ते रोटी ना खाई तो किस्मत खोटी, बिल्ली को तुम मार के सोती, खाओ गिराए छोटी छोटी। बचपन में यही कहकर मुझे खाना खिलाते थे ना, और अभी देखिए खुद बच्चों की तरह रूठ कर बैठ गए। चलिए मुंह खोलिए, खा लीजिए चाचा जी। अमृत तू जाए यहाँ से, मैंने नहीं खाना खाना। अच्छा जी, जब बचपन में मैं मना करती थी तब ऐसे ऐसे गुस्सा करते थे, अब मैं बड़ों पर गुस्सा नहीं कर सकती, इसलिए फायदा उठा रहे ना। गलत बात है चाचा जी, अब तो खाना ही पड़ेगा आपको। अमृत मैंने बोला ना तू जाए यहाँ से। अच्छा ठीक है ठीक है, रोटी नहीं खानी तो मत खाओ, पर रायते ने क्या बिगाड़ा है आपका? ये रायता ना बड़ी कमाल की चीज होती है चाचा जी, ये टकराता जुबान से पर संदेशा भेजता है सीधा दिमाग को कि भाई दिमाग पकवान आ गए, फिर दिमाग इशारा करता है दिल से और दिल अरदास करता है पेट से कि भाई पेट आज ना मुझे जी भर के खाने देना, बीच में डकार मार के इनकार मत कर देना। और पता है जब पेट मान जाता है तो जुबान हंसकर क्या कहती है? सब्जी दाल पनीर ते रोटी ना खाई ते किस्मत खोटी। तू भी बड़ी जिद्दी है। भतीजी किसकी हूँ? जिंदी रे, तू ना खाना खाया? मैं बाद में खा लूंगी। मुँह खोल। टिंडे टिंडे आम का अचार, खाओ रोटी मारो डकार। उदय, उदय तू ऐसे ही फिक्र कर रहा था, चाचा जी ने तो खाना भी शुरू कर दिया है। ओए, 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 बस ना एक ही कमजोरी है मेरी। हाय, मैं तो मर गई। और मैं पुलाव की गल कर रहा था, और तू पुलाव के एक दाने के बराबर तक नहीं है। चल। अच्छा जी, मेहनत माले की और तारीफ डाले की, ले दे दे वापस। ओए, दी हुई चीज पे वापस हक नहीं जताते, है ना? खाना खा लिया? जी। हाय मेरी लाडो रानी, जा। रब 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 रब, मेरे पराजी ने खाना खा लिया, रोटी शोटी खा ली, अब मेरे गले से भी निवाला उतर जाएगा। हाय, ये देखो कुर्ते केसर वाला तुत बनाया है, बचपन में जैसा पसंद था, पी जाओ। दो घुट पी लोगे ना मेनू चैन आ जाएगा, पियो पियो। हाय मुगर बेचारी की करे, परिवार की चिंता करती फिरे, इसे कहते हैं धक्का भी मार दो और गिरने भी ना दो। पहले तो सबके सामने तुहानू जलील कर देता, और फिर कुड़ी को भेज के उमरम पट्टी कर देती। वाह, इस घर में सारे कायदे कानून बड़े प्राजी की तो चलते, छोटों की कोई औकात नहीं है। मैनू देखो, छोटी बहन को छोटी सी उम्र में छोटे घर में ब्याह दिया, और आज हक के बहाने छोटे भाई को सबके सामने छोटा बना दिया। मैं पूछती हूँ वो होते कौन है, वो देखो हर बात पे शह देने वाले, बाप अभी जिंदा है और ताया है कि हर फैसला किए जा रहे। रब 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 रब, हक ते बहाना है, असली मकसद तो भतीजे को भड़काना है।
अरे ये वो मर जाना कोच आ रहा है कल घर में उदय से मिलने। एक गल बता दूं, ये जो रेत होती है ना, ये मुट्ठी से एक बार फिसल जाए तो जिंदगी भर बस हाथ ही मलते रह जाओगे। मेरे से हालत नहीं देखी जाती तो अड्डे ऐसे। तुम दूध पियो, दूध पी के सो जाना। दूध पी खुशबू सुंगाती रहेगी या चाय भी देगी गुड़ वाली? जी बीवी जी नहीं। अब्दुल कपड़े स्त्री के लिए देते हुए नहीं क्या? जी वीर जी बस ये काम खत्म करके ले आता हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है वीर जी, मैंने आपके कुर्ते माया लगाकर अच्छे से स्त्री कर दिए है। अब्दुल भाई जान आप ये वीर जी के कमरे में रखवा दीजिए। जी बीवी जी चाय। वीर जी मैं वो भाइयों की हट्टी तक जाऊँ, बहुत जरूरी किताबें लेनी है, इम्तिहान नजदीक आ रहे हैं ना। कौन सी किताबें? मुझे नाम लिख के दे दे, मैं आते वक्त ले आऊंगा। नहीं 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 वीर जी, वो किताबें खरीदने से पहले दो चार पन्ने पलट कर देखने पड़ेंगे, पता चला कि पैसे भी खराब हो गए और किताब भी सही नहीं आई। रब 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 रब, कल से इसका ना नूर कुछ बदला बदला लग रहा है, कुछ तो खिचड़ी जरूर पकड़ी है। बात तो तेरी ठीक है लेकिन वीर जी मैंने बस एवे एवे जाना है और तेवे तेवे वापस आ जाना है तो मैं चली जाऊं। पर अमृत ना ज्यादा ही फिकर हो रही है बहन की, तो मेरी किरण बाला चली जाएगी इसके साथ और वैसे इसने सिलाइयां खरीदनी है बाजार से। सिलाइयां खरीदनी है? याद नहीं कि वो स्वेटर उदड़ गया था, वो इसने कह रहा कि उसी ऊन से ना मेरे दस्ताने भी बनाएंगे और मैं क्या बना ले बना ले। मैंने कब बोला आपको? चल ठीक है फिर। किरण बाला जी वीर जी तू इसके साथ चली जाना। जी ठीक है। अगर किरण बाला साथ जाएगी तो तांगे वाले से कैसे मिलूंगी? चल किरण। जरा भी नजर हटी ना बाचार में अमृत से तो उन्हीं सिलाइयों से ना सुरमा पा देना तेरी आंख में, समझी ना? ठीक है। रब 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 तूने कौन सी किताबें लेनी है आज? अब बताओ ये कहाँ से लेनी है किताबें? अमृत बोल तो, यही यही रोक रही है। किताबों की दुकान तो आगे है अमृत। और रुकोए, मैं क्या कह रही हूँ अमृत, ये लीजिए। शुक्रिया। पैसे भी दे दिए। इस मुसीबत से कैसे पीछा छुड़ाऊं? स्कूल तो जाना ही पड़ेगा। अगर वो तांगे वाला भला मानस हुआ तो उसने स्कूल जरूर आना है मेरी डायरी वापस करने। अकेली अकेली कहाँ जा रही है? अमृत रुको है। अमृत अमृत मैं क्या कह रही थी, वो अपने सामने वाली संतो है ना, वो गीली रस्सी से लाते बनाना जानती है, बड़ी सोनी लगती है। तुझे सीखनी हो ना तो मुझे बताना। स्कूल के पास ही होना चाहिए उसको। जीनत वाला पोज बनाकर फोटो खिंचाते, तू नहीं खिंचाएगी जीनत?
नहीं मैंने नहीं खिंचानी, वैसे भी बिजली मैंने सब सिलाइयों के पैसे दिए। तो चल किताब तू फोटो खिंचाना, सिलाइयां मैंने दिला देनी है तुझे, मैं पैसे दे दूंगी। तू जा जाकर फोटो खिंचा। हां नहीं 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 मैंने नहीं खिंचानी, तू चल। किरण कितनी अच्छी बहन है तू मेरी, इतना तो कर ही सकती हूँ ना मैं तेरे लिए, मैं बुआ जी को बिल्कुल नहीं बताऊंगी, पक्का। हाँ तू जा, तू मुझे किताबें लेके यहीं मिलेगी, पक्का पक्का। मैं आई। फटाफट ये पहनकर स्कूल की तरफ भागती हूँ, यहाँ से थोड़ी ही दूर है। चल भाई मैनू भट्टी चौक तक छड़ दिया। माई आप दूसरा टांगा ले लीजिए, मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ। ओए तैनू दूर दूर तक कोई टांगा नजर आ रहा है? एमे खामखा बुड्ढी जनानी नू तंग किए जा रहा है, चल छड़ किया मैनू। चलिए थोड़ा तेज हॉली चला रहे हॉली, और बुड्ढी जनानी की जान लेगा क्या कमबख्त। माई मुझे स्कूल की छुट्टी होने से पहले हर हाल में स्कूल वापस आना है। ओ बेवकूफ, इतवार को तेरा कौन सा स्कूल खुलता है? आज इतवार है और क्या। बड़े दरवाजे वाले डॉक्टर बेग की बेटी के साथ है तुम, उनके इलाज और मेरी खबरें। बादल भैया होते और तेज क्यों चल रहा है? बड़ा दरवाजा। क्यों प्यासी जिंदड़ी है, क्यों प्यासी जिंदड़ी है, क्यों प्यासे नैनों मेरे, क्यों प्यासे नैनों मेरे, कदे ते सोने देखूं राह तेरी तू आके भी ना आए। मुझे तू क्यों सताए, क्यों उठे दिल छोड़ आए, क्यों उठे दिल छोड़ आए, क्यों उठे दिल छोड़ आए, क्यों उठे दिल छोड़ आए। उस्ताद साहब आइए ना, आइए आइए, आप आराम से बैठिए, ताए जी बस आते ही होंगे। भाई उदय तेरे घर वाले तो बहुत खुश होंगे। जी भाई तीन डिस्ट्रिक्ट मिला के कल्ला तू सिलेक्ट हुआ इंडियन टीम में। जी घर में माहौल तो खुशनुमा ही है। अब्दुल भाई दीजिए ना कोच साहब को दीजिए। अगर हॉकी खिलानी है तो अपनी कौम के मुंडों को जाके खिलाओ, साढ़े मुंडों को बिगाड़ने की क्या जरूरत है? एक तरफ नया मुल्क बनाने की बात करते हो, दूसरी तरफ साढ़े घरों में घुस रहे हो। बाबूजी आप ये कैसी बातें कर रहे हो?
ये खेल के बीच में मजहब कहाँ? और लाला अवरेज किशोर सानी का बेटा डंडा पकड़ के ग्राउंड में नहीं तोड़ेगा, कन्हे में बैठ के नोट गिनेगा, नोट, और इस घर में सबसे ज्यादा नोट, सबसे ज्यादा। जी भाजी आप ऐसे ना, ओए चल निकल यहाँ से वरना तेरी बत्ती सी तोड़ देंगे। निकल यहाँ से। भाजी कोसाब मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। आप रुक जाओ, मैं बाबूजी की तरफ से आपसे माफी। रुक जाओ ताकि ये मुझे और जलील कर सके। शर्म आती है मुझे तुम्हारे वालिद साहब की सोच पर। काश कि तुम जैसा इतना बेहतरीन खिलाड़ी इनके घर में पैदा ना हुआ होता तो आज हिंदुस्तान के पास एक बेहतरीन खिलाड़ी होता। ओए जा यहां से वरना तेरी हॉकी खिला देनी है। बाप वो है कि मैं हूं आप हो, लेकिन ये बात कहते हुए ना आज अफसोस बहुत हो रहा है। रब 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 छह फुट लंबी जबान हो गई है तेरी, मांग माफी मांग चल। अभी के अभी नहीं थे, नहीं थे, नहीं थे की एक घरवाली थी जो मेरा ख्याल रखती थी, प्यार करती थी मुझसे, वो भी इसे बचाते बचाते उसने अपनी जान दे दी। आज मेरा ये हाल, इस हाथ का हाल इसी की वजह से टुंडा बन के रह गया हूं। जब से पैदा हुआ है सिर्फ दुख ही दिया है इसने, और आज भी जान का दुश्मन बना हुआ है ये। ब्रिज, अरे मर गया ब्रिज प्राजी। सबको मैं ही गलत लगता हूँ ना, सबको मुझसे ही परेशानी है। किसी को जरूरत नहीं इस घर में मेरी, मैं नहीं छोड़ के चले जाना, चल चले जाना है घर, जा रहा हूं मैं। बाबूजी बाबूजी वीर जी जब दिमाग पे चढ़ा हुआ खून दिल की रगों में वापस आ जाएगा ना, तब ये भी वापस आ जाएगा। चलिए मैं आती हूं। दी हुई चीज पे वापस हक नहीं जमाते तो दी हुई चीज को इस सड़क पे भी नहीं फेंक सकते होते। वो तो क्या करूं मैं इसका, सर में मार लूं इसे अपने, और तोड़ दे फेंक दे जला दे तेरे को इसके साथ जो करना है वो कर, लेकिन मेरी जिंदगी में ना इसका नाम दोबारा कभी मत लेना, पकड़। मतलब गोल करने से पहले ही चौरस हो गया? अगर इंडिया वाली टीम तक तेरे हौसलों की खबर पहुंच गई ना तो कल को तू चाहे तो भी अपनी टीम में नहीं लेना उन्होंने। वशमा मेरे को ना कोई बात करनी है ना कोई झगड़ा करना, पर मुझे करनी है। अगर गलत बात करेगा ना तो रात को 2 बजे आके तुझसे लड़ूंगी, बताऊंगी तू कितना डरपोक है कि तुझमें हिम्मत नहीं है कुछ करने की कुछ बनने की। तो किसको दिखाऊं हिम्मत? भौजी को दिखाऊं हिम्मत? बड़ा बनने के लिए लड़ना पड़ता है उदय, कभी सपनों से तो कभी अपनों से। रब हजारों में से किसी एक इंसान को ऐसा बनाते हैं जिसमें उड़ने की काबिलियत हो। ऐसे तो पंख उसने सिर्फ परिंदों को भी दे रखे, और तो उसकी दी हुई इतनी बड़ी नेमत की बेकदरी करना चाहता। तो बचपन से गीता पढ़ता है ना, उसमें भी तो यही लिखा है कि अपने हक के लिए अपनों से की हुई लड़ाई भी जायज होती है। बस कर वशमा, बस कर यार, ये बड़ी बड़ी बातें करने में, भाषण देने में और जिंदगी में कुछ असल में करने में ना बड़ा फर्क होता है। और तू क्या बोल रही है, तू भी तो कथक सीखना चाहती थी ना, उस्ताद भी आते थे तेरे को कथक सिखाने, फिर क्या हुआ? अबरार भाईजान आए, उन्होंने तेरी कथक बंद करवा दी, तब तूने नहीं की बगावत। मेरी बात अलग है उदय। यही बात है वशमा, जो तू मुझे दे रही है ना वो तेरी नसीहत है, जो मुझे मिल रही है वो मेरी वसीयत है, और वसीयतें बड़े लिखते हैं छोटे नहीं। भाईजान ये बड़ा दरवाजा वाला इलाका यही है ना? जी जनाब यही है। शुक्रिया। बादल मिया मिला तो वो डायरी वाली मोहतरमा से। हाय रब्बा,
टांगे वाले को जल्दी भेज दो। सुनिए, एक ऊंचा लंबा गोरा सा बंदा है, सफेद घोड़े वाला ही टांगा चलाता है। अच्छा, उम्र होगी यही कोई 21-22। आप लोगों ने कहीं देखा है? ओ बीबी जी, आपने टांगे के ऊपर बैठकर जाना है या टांगे वाले के साथ जाना है? ना डायरी मिली ना टांगे वाला मिला। अरे रब्बा, वो डायरी किसी के हाथ लग गई तो? नहीं 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 नहीं, नहीं। ये बड़ी बड़ी बातें करने में, भाषण देने में और जिंदगी में कुछ असल में करने में ना बड़ा फर्क होता है। तू भी तो कथक सीखना चाहती थी ना, तो क्या हुआ? अबरार भाईजान आए, उन्होंने तेरी कथक बंद करवा दी, तब तूने नहीं की बगावत। वशमा, मैंने मना किया ना सब करने के लिए। वशमा, मैंने कहा बंद करे सब। वशमा, मैंने कहा नहीं नाचेगी तू, कहा ना? अबरार, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? बहन पे हाथ उठाते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? शर्म इसे आनी चाहिए अबाजान, ये गाने लगा करके नाच रही है मेरे मना करने के बावजूद भी। तू है कौन भाई? मुंसिफ है लाहौर का, कि अब तू ऑर्डर निकालेगा? अबाजान, अच्छे घरों के लोग ये नाच गाना ये सब नहीं करते हैं। तो बेटा हमें ये बता दो कि अच्छे घरों के लोग करते क्या है? अपनी छोटी बहन को डराते हैं, उस पे हाथ उठाते हैं। भजन, आप नहीं समझ रहे हैं, बुत परस्ती से जुड़ा हुआ है ये नाच गाना। अरे गुनाह कर रही है आपकी बेटी, आप उसे रोकने के बजाय उल्टा मुझे डांट रहे हैं। जिसे आप गुनाह का नाम दे रहे हैं ना भाईजान, वो सिर्फ एक कला है, मेरा शौक, मेरा जुनून, और अब तो मेरी जिद है। रोक सकते हो तो रोक लो। वशमा, अपनी हाथ पर बात तो मुझे तुमसे कहनी चाहिए। अब्बा जान, आपको अपनी इज्जत की जरा से भी फिक्र नहीं है? मेरी इज्जत को खतरा इसके शौक से नहीं, बल्कि तुम्हारे इस मजहबी पागलपन से है। और मेरा तजुर्बा ये कहता है कि अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो बहुत जल्द किसी दिन हम पे एक बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ सकती है। अबरार की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ बेटा। नहीं अब्बा जान, नहीं, ऐसा मत भूलिए। तुझे जो करना है तू कर, मैं हमेशा तेरे साथ हूं, कोई भी नहीं रोकेगा तुझे।
भाषण देने और कुछ कर गुजरने के बीच का फासला नाप रही थी। वे चलिए, वे जिंदगी में बड़े चल्ले देखे हैं, तेरे वर्गी चलनी नहीं देखी। तो चल आंखें बंद कर और बोल, वशमा तू दुनिया की सब। चल वादा कर, हॉकी खेलना कभी नहीं छोड़ेगा। अब आप ही बताइए, कहाँ है आपकी मालकिन? ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया हूं मैं तो। हॉली हॉली देख के मोगर बेचारी की करे, दुपट्टे दे पीछे भगती फिरे। अब वो छत पे ना मर जाना दुपट्टा सुखाया था, उड़ते उड़ते बेग भाई जान के ना घर पे चला गया। अब मैं हुड़े लेकर आई, हुड़े लेकर आई। हाँ मानो जी बाबूजी, ये टांगे वाला बार कब से खड़ा? बाजी मैं ते गौर नहीं किता। भगवान जी कुछ भी करो, कुछ भी करो, पर मैनू मेरी डायरी मिलवा दो। अगर डायरी नहीं मिली तो बाऊजी नू पता चल जाएगा कि मैं ही रांझण हूं। ओए बस कर, और कितना तेल लगाएगा? ओए लगाने दे, वैसे भी तू अभी पूरी तरह चुड़ैल लगा रही है। ओए चुड़ैल बोलिया परी, पर जादू तो मैंने करके ही रहना, देखती हूँ कैसे नहीं लेता वो कोच तुझे इंडिया टीम में वापस। ओ बाऊजी ने इतना जलील करके उनको घर से बाहर निकाला है, तो क्यों लिहाज करेंगे मेरा? ओए यही तो जादू काम आना है, पर जादू मैंने नहीं तूने करना है। उए, उए, मैंने? हाँ, कोच साहब की छोटी बहन नूरा पे मरती है तुझ पर, तेरी हॉकी पे। तू बस हरी झंडी दिखा के उसे पटा ले, वो कुछ सिफारिश कर देगी कोच साहब से तेरी। ओए 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 ओए, पर लेकिन अब ये कुड़ियां उड़ियां पटानी नहीं आती मेरे को। ओए 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 ओए, चल कोई नहीं मैं सिखा दूंगी। वैसे भी मोरा बहुत अच्छी सहेली है मेरी, देख लेना तेरा काम चुटकियों में हो जाना है। अब समझ ले, मार दी ना तूने। ओए ओए, कहा था ना तुझे शीशी पे ढक्कन लगा दे, देखा पूरे फर्श पे तेल गिर गई। तू ना आराम से बैठ, कहीं तू उठ यार फिसल के। ओए ओए दांत क्या दिखा रही है, चल हाथ दे। मैं देती हूँ, रुक जा, ये ले आराम से। ये हंसी तो पहचानी सी लग रही है, देखूं। मोकर बेचारी की करे, पराई गल्ला सुनती फिरे। रुक जा, आराम से, आराम से उठ। जवानी में पांव फिसलते तो सुना था, पर ये दोनों तो पूरे ही फिसल रहे हैं। क्या करूं? अब तुम दोनों अंदर तब तक रहोगे जब तक कोई बुआ ना खोल दे, और जो खुलेगा वो तो बहुत कुछ बोलेगा। बादल मिया,
कितनी बुरके वाले से पूछ लिया इस डायरी के बारे में। जिसकी भी ये डायरी है ना, उसको ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है। अमृत पुत्र इधर आए जरा। जी जी। बेटा बानू कह रहा था कि तू बजाज को किताबें लेने गई थी तो ले आई। जी जी बाबू जी। ठीक है तू जा। बानू। जी बाबू जी। ना जाके देख वहां टांगे वाला खड़ा था वो अभी भी है या चला गया। जी नहीं बाबू जी वो वहीं खड़ा है और ताक झाक भी कर रहे हैं। ये तो बहुत फिक्र वाली बात है। आजकल दंगे फसाद भी बहुत हो रहे हैं। ये कुछ दिन पहले जलंधर में एक बंदा घूम घूम कर हिंदू मुसलमान के घरों की गिनती कर रहा था और अगले दिन सारे हिंदू घरों में आग लग गई। मैं काम करता हूँ, मैं थानेदार को इत्तला करता हूँ। नहीं 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 बेटा तू एक बाल को खबर कर दे, पहले हम खुद जाकर इस मुंडे से पूछताछ कर लेते हैं। बादल मियाँ, इन हवेलियों के दरवाजे जितने बड़े बड़े होते हैं ना, इनमें खिड़कियां उतनी कम होती हैं। और लगता है यहाँ खिड़कियों से झांकने की खास मनाही है इतवार को। जी, सत श्री अकाल। क्या बात है जवाना, बहुत तांग झांक हो रही है बहू बेटी वाले घर में। हा? बात क्या है? हाय रब्बा, ये तांगे वाला तो घर तक आ गया। मेरी डायरी तो इसी के हाथ में। नहीं 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 नहीं, कहीं ये मेरी डायरी पावजी को ना दिखा दे। शाम से देख रहा हूँ मैं तुझे, यहाँ खड़ा तांग झांक कर रहा है इधर उधर। मैं पूछता हूँ तांग झांक क्यों कर रहा है? ये डायरी बाबूजी के हाथ लगनी नहीं चाहिए, वो मेरे अक्षर पहचान जाएंगे। बोलना। जी वो उपराजी ऐसे की कर रहे हो? मैंने एक गल दसनी है, बताना है कि क्या रासलीला चल रही है। क्या हुआ लाले, क्यों बुलाया? कुछ नहीं, ताक झाक कर रहा था तो मैंने कहा जरा पूछ ही लूं इससे। क्या बता दे जाके उसे जिसने तुझे यहाँ भेजा, यहाँ हिंदू और मुसलमान भाइयों की तरह रहते हैं। इकबाल और लाला जी एक ही हैं, कोई फर्क नहीं है इनमें। अरे आप गलत समझ रहे हैं लाला जी, वो क्या है ना, मैं तो ये सिर्फ डायरी वापस करने आया था। वो कल ना दो बोतल वहाँ बुरखा पहन के मेरे टांगे में बैठी हुई थी, सुबह से ढूंढ रहा हूँ, उनको मिल ही नहीं रही है। डायरी दिखाना। अमानत है जी किसी की, ये तो मैं साहब उसके असली मालिक को ही दूंगा। माफी चाहता हूँ इस गुस्ताखी के लिए। दूसरे मोहल्ले में जाके देखो। जी बेहतर है। रब 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 रब, ओ भाईचान, वो लाडो रानी है ना वशमा, उसकी भी तो हो सकती है डायरी, उसको बुला लेते हैं, फिर इस टांगे वाले का सच और झूठ वो भी पता लग जाएगा, है ना प्राची? हम वशमा को बुला कर लाते हैं। रब 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 रब। ओए रुक जा, मेरे को दरवाजा खोलने दे। हाँ। तू हिलियो मत। ओ वशमा। क्या?
और दरवाजा बाहर से बंद है यार। क्या? हाँ? मर गए? अब क्या करें? हाय, ये बाहर से दरवाजा किसने बंद किया? वशमा, देखो ना मेजान, तेल में इतनी बार गिरी कि हालत हो गई। ओफो, इतनी लापरवाही। अच्छा ऐ बता कि ये दरवाजा बाहर से किसने बंद किया? अम्मी जान, वो अमृत ने किया होगा जरूर, बड़ी शरारती है। नीचे कोई टांगे वाला है। आपकी कोई डायरी शायरी तो नहीं छूट गई थी ना टांगे वाला? टांगे वाला? वशमा, ओफो, मुझे लगता है बंदा बहाने बना रहा है। थानेदार साहब को बुलाओ, सारा सच बाहर आ जाएगा। जनाब कैसी बातें कर रहे हैं? फड़ा मैंने, अभी सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। लाला जी, अमानत है जी किसी की? फड़ा दें या थानेदार नु बुलावा? यही बैठी थी कल मेरे टांगे में। अरे आप भी कमाल करती है मोटर वा, सुबह से मैं डायरी लेके घूम रहा हूँ पागलों की तरह। एक मिनट, तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ क्यों आया? नाम क्या तेरा? हाय रब्बा, मैं अगर बोली तो बाबूजी मेरी आवाज पहचान लेंगे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.